लोग समझ रहे हैं कि फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास क्या होती है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास क्या होगी, उस कंसेप्ट को हम समझने के लिए एक क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम हमने रखा सर्कल। सर्कल क्लास में एक प्राइवेट वेरिएबल बना दिया रेडियस। यहाँ पर पब्लिक के अंदर आकर मैंने एक सर्कल नाम का कंस्ट्रक्टर बना दिया। इसमें रेडियस की वैल्यू डिफॉल्ट मैंने 1 रख दिया, ठीक है। फिर इसमें मैंने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया, डिस्प्ले एरिया। ठीक है, और इसके लिए फ्लोट एरिया इक्वल टू 3.14 पाई इंटू आर रेडियस इंटू रेडियस। एक फॉर्मूला लगा के सिंपल सा मैंने निकाल दिया और इसको मैंने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए सी आउट लगेगा, सी आउट के लिए हमने यूजिंग एसटीडी यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर मैंने एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर, अब सर्कल की क्या मैं रेडियस एक्सेस कर सकता हूँ? क्या ये कमांड चलेगी? क्या ये सिंटेक्स एरर नहीं है? तो रेडियस क्यों एक्सेसिबल नहीं है? बिकॉज रेडियस एक प्राइवेट डेटा है और वो जब तक पब्लिक नहीं होगा तब तक एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर या तो मुझे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करना पड़ेगा, तो एक कंस्ट्रक्टर और बना लेता हूं मैं। और कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर देता हूं। ठीक है, और मैं C1 डॉट डिस्प्ले एरिया कर देता हूं फिर। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर सकता हूँ, प्राइवेट मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू मैं यहाँ एरिया डिस्प्ले कर देता हूँ। डिस्प्ले करना छूट गया था वहाँ पर, तो मैंने फिर से इसको रन किया और हम यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हम इसको डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो एरिया डिस्प्ले हो गया, 4 रेडियस पास कर दी थी मैंने। अब मान लेते कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो आउटसाइड क्लास है, ठीक है, उस फंक्शन का नाम है void find diameter या find circumference। डायमीटर ले लेते हैं। डायमीटर किसका निकालना है? किसका निकालना है डायमीटर? सर्कल का। तो मैंने सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर दिया माई सर्कल नाम से। तो सर्कल क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया इस फंक्शन को। अगर इस फंक्शन को सर्कल का ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो यहाँ डायमीटर निकाल सकते हैं अपन। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, है ना। अब रेडियस किसकी? सर्कल की। सर्कल का है तो बोले सर्कल इसको पास किया आपने। तो अगर सर्कल पास किया तो उसमें डॉट लगा के आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, क्यों एक्सेसिबल नहीं रेडियस? बिकॉज रेडियस प्राइवेट है। तो किसी भी क्लास के बाहर हम वो वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते जो उस क्लास के अंदर प्राइवेट हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप ये करना तो चाह रहे थे, फिर प्रिंट भी करना चाह रहे थे आप यहाँ पर,
डायमीटर इक्वल ऑफ सर्कल, यस। तो बेसिकली हमें समझ में आना चाहिए यहाँ पर कि डायमीटर इसलिए नहीं एक्सेस कर पा रहे कैलकुलेट, क्योंकि रेडियस प्राइवेट है। तो किसी भी क्लास के मेंबर को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ना तो मेन फंक्शन में ना किसी और फंक्शन में। तो हम कैसे एक्सेस करें? तो अगर मैं चाहता कि नहीं यार, फाइंड डायमीटर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ सर्कल के लिए बनाया मैंने, मैं इसको क्लास के अंदर नहीं रखना चाह रहा था, क्लास के बाहर ही रखना चाह रहा था, ठीक है, किसी रीज़न से, तो मैं रेडियस कैसे एक्सेस करूं? तो अगर मैं चाहता हूँ कि रेडियस अलाउड करना इस फंक्शन को, कि इस कम से कम इस फंक्शन को रेडियस अलाउड हो जाए एक्सेस करना, तो इस क्लास के अंदर में मेक फाइंड डायमीटर फ्रेंड ऑफ दिस क्लास। दिस क्लास मतलब कौन सी क्लास? सर्कल क्लास, क्योंकि अभी मैं कोड सर्कल क्लास में लिख रहा हूँ। तो सर्कल क्लास के अंदर आप ये डिक्लेयर कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन इसका फ्रेंड हो जाएगा, फ्रेंड होके फिर वो प्राइवेट मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्रेंड, और फंक्शन का नाम void find diameter। तो मैंने क्या किया, जो फाइंड डायमीटर फंक्शन है उस फंक्शन को मैंने फ्रेंड बना दिया, कि फाइंड डायमीटर जिसका नाम फाइंड डायमीटर है, जिसको एक सर्कल पास कर सकते हैं, उसको मैंने फ्रेंड बोल दिया इस क्लास के अंदर, सर्कल क्लास के अंदर, जिससे उस सर्कल क्लास को जब भी एक ऑब्जेक्ट पास होगा सर्कल का, तो वो सर्कल के प्राइवेट वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। समझ में आ गया? तो प्राइवेट वेरिएबल को किसी ऐसे फंक्शन को अलाउ करना जो कि उस क्लास के अंदर नहीं है, क्लास के बाहर है, तो उस फंक्शन को वो क्लास अपना फ्रेंड बना सकती है। वो फ्रेंड बनाने पे वो फंक्शन उस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट वेरिएबल को। तो अब आप फाइंड डायमीटर को जब कॉल करेंगे तो उसको कोई भी सर्कल का ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, और वो उसका पैरामीटर डायमीटर निकाल के प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया? तो फ्रेंड बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन क्या होता है, ये आपका एनकैप्सुलेशन ब्रेक करता है। प्राइवेट वेरिएबल बनाते ही आप इसलिए हो कि इस क्लास के अंदर इसको एक्सेस ही करना पड़े, क्लास के बाहर एक्सेस करना अलाउ नहीं करना है। तो इससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक रूल जो है वो टूट जाता है, कि एनकैप्सुलेशन प्रॉपर नहीं है आपका, डेटा हाइडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको रेयर केस में यूज करना चाहिए। सेम ऐसा का ऐसा ही एक और को मैं अलाउ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस सर्कल क्लास में एक फंक्शन बना लिया, सॉरी इस एक क्लास एक ये तो मैंने फ्रेंड फंक्शन को बनाया है ना, ये तो मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया। हम फ्रेंड क्लास भी बनाते हैं, तो एक क्लास बनाई मैंने, उसका नाम रख रहा पेंटर। पेंटर की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर इंजीनियर, अब इंजीनियर बाबू जो हैं उनका काम है कि एक जो सर्कल है उस सर्कल के आसपास फेंसिंग करना है। तो उस फेंसिंग करने के लिए उसको सरकमफेरेंस निकालना है, तो एक इंजीनियर को फेंसिंग चार्ज निकालना है। फाइंड फेंसिंग चार्जेस, ठीक है, ऑफ सर्कल, एक फंक्शन है। अब इसको एक सर्कल क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। इस इंजीनियर के पास एक फेंसिंग रेट है, जो कि जिसकी वैल्यू बाई डिफॉल्ट
12 रुपीज़, पर मीटर है, पर फीट या पर मीटर बोल देते हैं, ठीक है। अबे कोई सर्कल है, तो सर्कल जो है उस सर्कल के को फेंस करने में, यानी उसके आसपास फेंसिंग लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो उसको पूरी फेंसिंग कितनी है, उसकी बाउंड्री कितनी है सर्कल की, वो पता करनी पड़ेगी अपने को, कितने मीटर की बाउंड्री है पूरी। और बाउंड्री में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग चार्जेस आ जाएंगे। तो फेंसिंग चार्जेस निकालने के लिए फेंसिंग रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, पेरीमीटर में, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, बहुत छोटी सी चीज है, सर्कल का पेरीमीटर बहुत सिंपल सी चीज है। पेरीमीटर क्या होता है ध्यान समझना, पेरीमीटर होता है जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है वो, और सर्कल की बाउंड्री का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, 2 × π r² 2 × π r 2π r 3.14 × रेडियस। अब रेडियस कहाँ पर है, सी डॉट रेडियस, तो रेडियस की फिर जरूरत पड़ गई आपको, ठीक है, रेडियस की आपको फिर जरूरत पड़ गई, तो फिर से उसने बोल दिया कि समस्या है यहाँ, तो वही समस्या कि रेडियस भी यहाँ पर 5/8, ठीक है। तो इस समस्या को कैसे दूर करें हम लोग, तो उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पर, ये को, इस क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा, फ्रेंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेंड क्लास इंजीनियर। तो यहाँ लिखेंगे आप फ्रेंड क्लास इंजीनियर। अब आप इंजीनियर क्लास को फ्रेंड बना रहे हैं, बन गया फ्रेंड क्लास इंजीनियर। अब यहां पर कोई एरर आ रहा है यहां पर अभी, तो बस आप फेंसिंग चार्जेस निकाल दीजिए, अब इंजीनियर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, और इंजीनियर क्लास डॉट फाइंड फेंसिंग चार्जेस, और उसमें C1 करके मैंने सर्कल पास कर दिया, और ये बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट हो गया था, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ, इसको भी रन करके देख लेते हैं, आ गया फेंसिंग चार्जेस भी। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक किसी क्लास के अंदर दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है, किसी क्लास के अंदर दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है, तो वो क्लास फ्रेंड होनी चाहिए उस क्लास की। तो इंजीनियर को हमने फ्रेंड बना दिया सर्कल का। इसी तरह से कोई फंक्शन में किसी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो वो भी फ्रेंड होना चाहिए, तो हमने फ्रेंड बना दिया फाइंड डायमीटर को सर्कल का। सर्कल के दो फ्रेंड, एक फाइंड डायमीटर और एक इंजीनियर, दोनों उसके प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास भी कर सकते हैं और फंक्शन भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डेटा ऑफ, बेसिक आइडिया ऑफ फ्रेंड फंक्शन।